दोस्तों, क्या आपको पता है कि जुपिटर को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर क्यों कहते हैं? जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सभी ग्रहों को मिला दिया जाए तब भी इसका द्रव्यमान उनसे दो गुना से भी ज्यादा होगा। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 16 से 54 गुना ज्यादा ताकतवर है। जुपिटर के भयंकर गुरुत्वाकर्षण और सोलर सिस्टम के आंतरिक भाग में रोटेट करने की वजह से इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इन्हीं दो वजहों से सौर मंडल में आने वाले भारी उल्कापिंडों को ये अपनी ओर खींच लेता है और वो जुपिटर से टकरा जाते हैं। इससे दूसरे ग्रह इन उल्कापिंडों से बच जाते हैं, या फिर जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सोलर सिस्टम में आने वाले उल्कापिंडों की डायरेक्शन बदल जाती है और वो अर्थ से सीधा ना टकरा के दूर से ही निकल जाते हैं, या फिर ये जुपिटर की एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही घूमना शुरू कर देते हैं। पिछले 10 सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने जुपिटर पे 10 मेट्रोइड्स टकराने के इंपैक्ट को ऑब्जर्व किया है। उनमें से एक इंपैक्ट को तो नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने ऑब्जर्व किया है। अगर जुपिटर ना होता तो हर दिन उल्कापिंड धरती पर भयंकर तबाही मचा रहे होते।